समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से योगी की दोस्ती है। अखिलेश के सबसे खास नेता योगी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अखिलेश के खास हमेशा करते हैं योगी की खुलकर तारीफ। अखिलेश यादव अपने ही नेता से नहीं सुन पाते हैं योगी की तारीफ। ये है समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी। अखिलेश यादव के बेहद खास लोगों में से एक है। अखिलेश के हर मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले राम गोविंद चौधरी की एक कहानी है। कहानी है राम गोविंद चौधरी और योगी आदित्यनाथ की मित्रता की। अक्सर योगी राम गोविंद चौधरी की तारीफ करते हैं। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अखिलेश यादव के सबसे खास नेता राम गोविंद चौधरी की जब तारीफ करते हैं, तब राम गोविंद चौधरी मुस्कुराते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। अक्सर सदन में योगी आदित्यनाथ चाहे जितने गुस्से में हो, राम गोविंद चौधरी के पास वो कला है कि वो योगी को शांत करवा सकते हैं, योगी को किसी बात के लिए मना सकते हैं, योगी को किसी बात के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्यों, कहानी क्या है, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ कैसे विधानसभा में खुलकर तारीफ करते हैं। सचमुच इस हमारा जो नेता विरोधी दल है, मैं उनकी इस बारे में तारीफ करूंगा कि देखिए वो स्वयं भी वो नहीं चाहते थे, वो सही समाजवादी है। समाजवादियों में अगर किसी को देखना है तो राम गोविंद जी को आप देख सकते हैं। सम्मान होना चाहिए, नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया और लगातार उन मूल्यों के लिए लड़ते रहे जीवन भर, और उन्होंने सदन में भी उसको निभाने का प्रयास किया। वो ठीक है, दलीय प्रतिबद्धता अलग हो सकती है कि दल के तनाव के नाते बेचारे स्वयं यहां पर बेहोश भले ही हुई हो, लेकिन उन्होंने कहीं फिजिकली किसी सदन को, सदन के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने, आहत करने का व्यक्तिगत रूप से कभी प्रयास नहीं किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि सदन में हमारा विपक्ष इसी प्रकार से बना रहे, वहां पर ये लोग इसी प्रकार से बने रहे। जून 2020 में जब राम गोविंद चौधरी को कोरोना हुआ तो योगी ने फोन किया। फोन करने से पहले योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों को फोन पर निर्देश दिया था। राम गोविंद चौधरी बेशक सपा के नेता है, लेकिन वो योगी की तारीफ करते हैं। राम गोविंद ने अप्रवासी मजदूरों को लाने के लिए योगी की तारीफ की, ये तक कहा था कि पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ वाहवाही के हकदार हैं। उसी वक्त योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव कोरोना रोकने में फेल बता रहे थे। कुछ लोग कहते हैं इस बात से अखिलेश यादव बेहद नाराज होते हैं, लेकिन दोस्ती के लिए राम गोविंद चौधरी नाराजगी का ख्याल नहीं रखते। वैसे योगी आदित्यनाथ अपनी आलोचना सुनते हैं, लेकिन जब सपा नेता और अखिलेश यादव के बेहद खास राम गोविंद चौधरी सदन में बोलते हैं, योगी की आलोचना करते हैं या किसी कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। राम गोविंद चौधरी योगी की आलोचना करते रहे लेकिन योगी हंसते रहे, इसका भी एक नजारा है। इतना लंबा तथ्यहीन, आधारहीन, डपोर संखी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, रोजगार विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, छात्राओं विरोधी जो भाषण हुआ माननीय नेता सदन का, वो उबाऊ था। आज अनुपूरक बजट पर बहस होनी है, क्यों अनुपूरक लाया गया, क्या हो सकता पर इस पर मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले। मूल बजट पास हुआ, आचार संहिता लागू हो गई, दो महीने चुनाव और गणना उड़ना में लग गया, मूल बजट का पैसा खर्च ही नहीं हुआ। आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो वित्त मंत्री है नहीं, वो तो आपका हक सिर के भाषण दे लेते हैं, आपको क्यों हो सकता पड़ी अनुपूरक बजट लाने के लिए। अक्सर अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं का मजाक उड़ाते देखे गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राम गोविंद चौधरी और योगी लंबे वक्त से एक दूसरे के दोस्त हैं। राजनीति से अलग भी दोनों की बात अक्सर होती रहती है। योगी आदित्यनाथ ना तो राम गोविंद चौधरी की तारीफ से हिचकते हैं और ना ही राम गोविंद चौधरी योगी की तारीफ से किसी से डरते हैं।
राम गोविंद चौधरी वैसे पीछे से तो योगी को रावण की सरकार कहते हैं, लेकिन सामने आते ही या तो हंसते हैं या फिर योगी के साथ सबको सदन में हंसाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान राम गोविंद चौधरी को बीजेपी में आने का न्योता भी दे दिया। सुनिए। नहीं, मैं तो चाहता हूं आप फेड़ में आए, आप स्वस्थ रहें, और आपके लिए तो देखिए, आपके लिए तो हम भी चाहेंगे कि जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वह अगर चाहेंगे तो हम लोग प्रयास कर लेंगे कि बीजेपी में अगर आप आना चाहेंगे थोड़ा आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। आपकी उम्र, आप देखिए आपके पास लंबा अनुभव है, संघर्ष आपने किया है, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के साथ में जेपी आंदोलन में लोहिया जी के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आप गए होंगे। जब आज की समाजवादी पार्टी को आप देखते होंगे तो आपको पीड़ा होती होगी, एकांत में आप कभी बैठते होंगे सच में पीड़ा होती होगी, आप बहुत पीड़ा होती होगी। मंत्री जी, जितनी लंबी बात हमसे आपने की है, मैं आपको माध्यम अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वास्तव में राजनीति समाजवाद से ही मेरी शुरू हुई। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, इन लोगों की जो सोच थी और जो व्यू था समाज को बनाने के लिए, राजनीति को बनाने के लिए, उस व्यू को पूरा अगर किया इस देश और दुनिया में तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने पूरा किया है। इसलिए जब तक जीऊंगा तब तक समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ ही रहूंगा। मैंने यही कहा ना, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, एक सच्चा समाजवादी संपत्ति और संतति दोनों से हमेशा दूर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।